एवरी वन दिस इज वोनिका आज का डिस्कशन है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ऑफ इंडिया कि इंडिया में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का क्या स्टेटस है तो मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मेंस क्योंकि आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो बाकी देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल ही बहुत ब्यूटिफुल है पूरा मेंस का देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपका कवर हो रहा है क्या प्रोसेस है भारत में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को रेगुलेट करने का जो कुछ स्टेट्स हैं वो क्यों टेस्टिंग नहीं कर रही अगर हम कुछ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की बात करें जैसे क्राई टू ए कॉटन है जी -E क्या है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सो दिस इज़ वेरी वेलिड टॉपिक फॉर द कमिंग मीन्स नाउ सिलेबस में एग्रीकल्चर में टॉपिक आपका कवर होता है ई e टेक्नोलॉजी में और प्लिन में ट्रांसजेनिकॉप क्रॉप्स crop, क्या हैं G.E.A.C. क्या है Genetically Modified Crops क्या हैं सिग्निफिकेंस क्या है Transgenic क्रॉप्स का रेगुलेशन कैसे होगी Transgenic क्रॉप्स की ये सब बहुत ज़्यादा important है अब देखिए कॉन्टेक्स्ट अब तीन स्टेट्स हैं गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना इन्होंने एक प्रपोजल को मना कर दिया इस प्रपोजल को सेंटर की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी है उन्होंने भी अप्रूव हाँ सुना होगा बीटी कॉटन क्या ट्रांसजेनिक क्रॉप है उसको हमने देखा कि उसका क्या प्रोज कॉन्स भारत में रहे इसी तरीके से अब एक और ट्रांसजेनिक क्रॉप था जिसको चेक करने के लिए कहा था लेकिन इन तीनों स्टेट्स ने क्लियरली मना कर दिया टन रेजिस्टेंट टू पिंक बॉलवॉम अब ये जो जीन था ट्रांस जीन ट्रांसजेनिक पहले देखिए ट्रांस 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 मतलब कि हमने दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर कर दिया या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया दैट इज अ ट्रांस जीन तो यहाँ पे क्राइ टू एस किया जा रहा था जो कि कॉटन क्रॉप्स को पिंक बॉलवर्म्स जो होते हैं जो कॉटन कौ, की फसल को बर्बाद कर देते हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंट बना रहा था एक मेजर पेस्ट है बहुत फसल खराब करता है ये कॉटन की पिंक बॉलवर्म उसके खिलाफ आपको फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती वो रेजिस्टेंट हो जाता लेकिन इन्होंने मना कर दिया अब ये कॉन्फ्लिक्ट ये दिखाता है कि भारत में आज भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है राइट right? अब बात आती है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इस तरह के प्लांट्स हैं जिनको मॉडिफाई किया गया है तो नॉर्मल ये नेचुरल एक पेड़ पौधा है ठीक है इसको हमने जेनेटिक लेवल पे इसके डीएनए के लेवल पे जाके कुछ चेंजेस कर दी अब जो इसके सीड्स होंगे है ना उनको जब हमने चेंज कर दिया जब ये नया प्लांट लगेगा जो मॉडिफाइड है उसको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलेंगे इन क्रॉप्स में हम कुछ स्पेशल जीन्स डालते हैं हमारे बेनिफिट के लिए प्लांट के बेनिफिट के लिए जैसे कि यहाँ पे पिंक बॉल उसके पेस्ट से बचाने के लिए उसको चेंज किया गया ठीक है तो नेचुरली फाउंड स्पीशीज को आप ट्रांसजेनिक नहीं बोलेंगे जिनमें डीएनए में हम चेंजिंग करेंगे लैब में चेंजिंग की जाएगी उसको हम ट्रांसजेनिक बोलेंगे अब ट्रांसजेनिक प्लांट लैब में किस तरीके से बनाया जाता है कि जीन कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है समझा जाता है कि कौन सा जीन हम यूज करने वाले हैं फिर जो ट्रांसजीन है एक बैक्टीरिया एग्रो हम यूजली यूज करते हैं उस जीन को प्लांट में इंसर्ट करने के लिए और फिर आप देखेंगे कि ट्रांसजेनिक आपका प्लांट जो है वो क्रिएट होगा तो ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ, साइंस बायोटेक्नोलॉजी में स्टैटिक में डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एनिमल्स बनाए जाते हैं अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जैसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करते हैं इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हो सकते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं ठीक है जिनके सिंपल सी बात है जिनके जिनोम में आपने डीएनए लेवल पे कुछ चेंज कर दिया उनके डीएनए सीक्वेंस में कुछ चेंज कर दिया सो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है प्लांट भी हो सकता है माइक्रोब भी हो सकता है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से हमने चेंज कर दिया उन सबको ट्रांसजेनिक बोलेंगे पहले हम जीन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने डीएनए में ढूंढा कि अच्छा इस जीन को हमको चेंज करना है ये जो हाईलाइटेड है तो यहाँ से डीएनए या चेंज करना है या इंसर्ट करना है किसी और जगह तो ये डीएनए को आइडेंटिफाई किया उसको हमने अलग कर लिया जब अलग कर लिया तो उसको नई जगह पे डिलीवर करेंगे नए सेल्स में इंट्रोड्यूस कराएंगे इंसर्ट करेंगे फिर जब ये वाले प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहलाएंगे भारत में इनका स्टेटस जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से जेनेटिक क्रॉप्स हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं जैसे कि ब्रिंजल हो गया टोमेटो हो गया मेज हो गया चिक्पी हो गया ट्रायल्स में है लेकिन अभी ट्रायल्स चल रहे हैं बांग्लादेश में बीटी ब्रिंजल को अलाउ किया है लेकिन भारत में नहीं किया है हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हम रहे कि नेचर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आप ट्रांसजेनिक क्रॉप को तो ही अलाउ करेंगे अगर वो नेचुरल वाले से बेटर है कोई फायदा दे रहा है अब जैसे सिर्फ एक भारत में एक ही है बीटी कॉटन जिसको अप्रूवल मिला कि आप हाँ कमर्शियली कल्टीवेट इसको कर सकते हैं इंडिया की आज वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट कल्टीवेटेड एरिया है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर आता है 11.4 मिलियन हैक्टेयर्स 2017 का डेटा है ये और एंटायर जीएम क्रॉप जो है वो कॉटन के अंदर आता है सिर्फ कॉटन को ही आपने यहाँ पे अलाउ किया है अदरवाइज यू हैव जीएम मस्टर्ड आल्सो गवर्नमेंट ने क्लियर uh, किया था कि इसको भी रिलीज़ करो डी एम वन वन जिसको सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिकुलेशन फॉर क्रॉप प्लांट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया था लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट ने इसको काफ़ी अपोज़ किया फिर इसको होल्ड पर रख दिया अलाउ नहीं किया ठीक है सेंटर ने दे दिया था नॉट कि ठीक है करो यूज़ बट देन प्रोटेस्ट पे इसको होल्ड पे रख दिया गया मस्टर्ड को इसी तरह से बी टी ब्रिंजल इसको मैको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी ने डेवलप किया एग्रीकल्चरल साइंसेज इंस्टीट्यूट है जो है तमिलनाडु के साथ ठीक है यूनिवर्सिटी है उनके साथ मिलके लेकिन इसको भी होल्ड पे कर दिया क्योंकि बायो सेफ्टी कंसर्न्स थे इसको भी होल्ड पे रख दिया गया अब रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इन्होंने इन्वायरमेंटल रिलीज मस्टर्ड हाइब्रिड डी एम एच वन वन का अप्रूव किया है पेरेंटल लाइन्स पे और उसकी पेरेंटल लाइन्स का 2017 थाउजेंड सेवेंटीन ने जी ए सी ए ने क्लियरेंस दिया था जीएम मस्टर्ड के लिए बट अगेन यू नो एडिशनल टेस्ट होने थे तो उसको रोक दिया गया तो मतलब कोशिश की जाती है क्लियर करने की फिर कुछ प्रोटेस्ट होते हैं तो उनको होल्ड पे डाल दिया जाता है तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसजेंडिक क्रॉप्स का इंडिया में इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है मल्टीपल सेफ्टी असेसमेंट किए जाते हैं क्योंकि कोई चीज़ आप मार्केट में लाने वाले हो जिसको लोग कंज्यूम करने वाले हैं तो आप चाहेंगे ना कि हर तरीके से लोगों की सेफ्टी बनी रहे तो बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं क्लियरेंस के लिए तो इसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आई भी इन्वॉल्व रहता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च अगर एक ट्रांसजेनिक प्लांट है उसको कमर्शियल रिलीज के लिए अप्लाई करना है तो अगर यहाँ से अप्रूवल मिलेगा तभी वो अप्लाई कर पाएगा ठीक है ओनली आफ्टर इट्स प्रूवन टू भी डेमॉन्स्ट्रेटेड बेटर देन कम्पेरेबल नॉन जीएम वेरियंट्स तो मतलब कोई ट्रांसजेनिक क्रॉप लाए एक तो वो नेचुरल वाले से बेहतर होना चाहिए हर पैरामीटर में कि वो ड्रॉट को टॉलरेट कर रहा है इंसेक्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है अगर ऐसा नहीं है और ये भी शो करना है कि वो इकोलॉजी को किसी तरह से हार्म नहीं कर रहा फिर ओपन फील्ड ट्रायल्स किए जाएंगे मल्टीपल क्रॉप सीजन में कि कहीं इकोलॉजी पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा देर आर सर्टन एक्ट्स एंड रूल्स जो जीएम क्रॉप से जुड़े हुए हैं प्रोटेक्शन एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर है जीएम पॉलिसी अंडर फॉरन ट्रेड पॉलिसी है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स है ये जीएम क्रॉप्स को रेगुलेट करते हैं भारत में कुछ स्टैचुट्री बॉडीज हैं जो इंडिया में रेगुलेट करती हैं आपकी रिकॉमेंट डी एन एडवाइजरी कमेटी है ये बायोटेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट होती है उसको देखते हैं नेशनल एट इंटरनेशनल लेवल्स इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी ये भी लो रिस्क एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनको अप्रूव करती है और देखती है कि सेफ्टी गाइडलाइंस सब फॉलो करते रहें फिर रिव्यू कमेटी तो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रिव्यू करते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं है अगर आ, आप ओपन फील्ड ट्रायल करने जा रहे हैं ओपन फील्ड मतलब आप आपने लैब से बाहर आके उसको फील्ड्स में ग्रो करने जा रहे हैं तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में कोई हाई रिस्क इन्वॉल्व तो नहीं है तो अप्रूव करते हैं एप्लीकेशन देन सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये बॉडी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी लार्ज स्केल यूज के लिए अप्रूवल देती है रिसर्च और प्रोडक्शन दोनों में देन यू हैव स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी ये भी काफी सारे इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करती है सेफ्टी और कंट्रोल को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी आपकी बनाई जाती है क्योंकि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को लेकर कंसर्न्स बहुत हैं कि इकोसिस्टम को, को कोई फर्क ना पड़े बायोडाइवर्सिटी को, को कोई नुकसान नहीं हो तो आप समझ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कैसे होगा सब कुछ ट्रांसजेनिक हो जाएगा तो नेचुरल चीज़ें तो बचेंगी नहीं तो आप नेचर के साथ खेल रहे हैं ऐसा इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा और साथ में इनका कोई लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा या क्या नुकसान ह्यूमन बॉडी को हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म स्टडी हमारे पास नहीं है तो आज से चालीस साल तक कंज्यूम करते रहे बीस तीस साल के बाद पता चला कि हमने तो ह्यूमन रेस को ही तबाह कर दिया तो लोग उस चीज़ से डरते हैं बट ऑबियसली उसके लिए आपका कोई प्रूफ होना चाहिए बट ज्यादा प्रोटेस्ट जो चलते हैं कि क्योंकि आप जीन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं नेचर के साथ थोड़ा चेंज कर रहे हो मैंने बोलूँगी कि, कि गलत है कि काफी कंट्रीज uh, में अलाउड भी है बट देन यू हैव टू सी द प्रोज एंड कॉन्स ठीक है कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन क्या है ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और फिर अप्रूवल जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड सब्सिक्वेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जाता है अब एग्रीकल्चर क्या है एक स्टेट सब्जेक्ट है मोस्ट केसेस में आपको स्टेट से अप्रूवल लेना है इस तरह के टेस्ट के लिए प्रेजेंट केस में जैसे क्राई टू ए आई वन है सिर्फ हरियाणा ने परमिशन दिया कि आप टेस्ट कीजिए बाकी स्टेट ने परमिशन ही नहीं दिया कि आप ओपन फील्ड ट्रायल कीजिए स्पेशली ईयर महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा तेलंगाना तो इशू जीएम क्रॉप्स का बहुत डेलिकेट है क्योंकि फूड सिक्योरिटी से जुड़ा जुड़ा हुआ है हेल्थ से जुड़ा हुआ है बायो सेफ्टी से जुड़ा है न्यूट्रिशन से जुड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट को हर स्टेक होल्डर से यू नो मीटिंग्स करके कमेटीज बिठा के डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि डिसीजन टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है हो सकता है कि हम रोकते रहें लेकिन अगर ये इतना अच्छा निकले और फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए तो टेक्नोलॉजी को स्ट्रीमलाइन करना है ताकि साइंस के कुछ ऐसा बैड डिसीजन जो है वो इंप्लीमेंट ना हो जाए आई होप यू गॉट इट ना यूपीएससी विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट बट यस हार्ड वर्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता सो इट विल भी लाइक अ बर्ड जो उड़ नहीं सकता अगर आप मेहनत नहीं करेंगे सिर्फ किताबें ला के घर में रखेंगे सो कीप स्टार्टिंग थैंक यू सो मच